दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन के अंदर अपना कंप्यूटर का जो माउस होता है वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं और आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कंप्यूटर का जो माउस होता है वो कनेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ध्यान से देखना और कौन कौन से यहाँ पर इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास एक माउस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी शॉप पे जाके, कोई भी मोबाइल शॉप होती है वहाँ पे जाके आपको ऐसा OTG आपको ले लेना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर OTG सपोर्टेड है तो आपको यहाँ पे OTG ले लेना है। अगर आपके मोबाइल आपका जो मोबाइल का जो चार्जिंग सॉकेट है वो यहाँ पे सी टाइप का है तो आपको सी टाइप OTG लेना है। अगर आपका जो V8 वाला जो रेगुलर चार्जिंग होता है तो आपको वो सादा वाला जो OTG होता है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, एक तो कंप्यूटर वाला जो माउस और आपका OTG। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो भी माउस होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे OTG के अंदर ऐसे आपका जो माउस का USB पोर्ट होगा उसके अंदर आपको ऐसे OTG को ऐसे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो भी चार्जिंग सॉकेट वाला पिन है उसके अंदर आपको ऐसे इस तरीके से आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है OTG, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे OTG सिलेक्ट करना है और OTG सेटिंग में जाके सर्च कर लेना है। तो जैसे ही OTG सर्च हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से OTG आपको मोबाइल के फ़ोन के अंदर ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली बैक आ जाना है और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ जो मेरा जो कनेक्शन है वो पूरा इस तरीके से, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा माउस का कर्सर है वो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माउस के नीचे आपको ना कुछ सेटिंग पे यहाँ पे कुछ रख लेना है। तो जैसे भी मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर रख लेता हूँ क्योंकि माउस अच्छी तरह से वर्क करे। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही माउस रखा तो माउस का जो कर्सर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो माउस का जो ये कर्सर है ना, ये वाला जो भाग है ना तो इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके ऐसे दबा के रखूँगा तो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको वॉलपेपर थीम और जो लॉन्ग प्रेस करने पे जो भी फीचर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद मुझे गैलरी ओपन करनी है या फिर व्हाट्सअप ओपन करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे गैलरी को ओपन करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो अपना जो ऐसे मेनू होता है ना वो मेनू मैं आपको इससे खोल के दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये कनेक्शन है तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉन्ग प्रेस करके ये माउस को कर्सर ना इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचता हूँ, ऊपर की तरफ यहाँ से मैं इसको खींचता हूँ। तो इस तरीके से आप मेरा जो कर्सर है वो इसमें मेनू ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे माउस कनेक्ट करके सब बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम जाते हैं अपने कर्सर से यहाँ पे, ये जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे मैं कर्सर चला रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरी गैलरी ओपन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे फिंगरप्रिंट, यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट दे देता हूँ तो उसमें यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप फोटोज़ भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा जो हमने गैलरी ओपन कर ली है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ पे ओपन कर लिया मैंने। तो उसके बाद आपको फोटो चेंज करना हो तो क्या करना होगा, माउस को देखो इस तरीके से, माउस को यहाँ पे मैं लाता हूँ पहले तो यहाँ पे पकड़ के इस तरीके से चेंज करता हूँ। देखो इस तरीके से हमारा जो इमेज होता है वो भी यहाँ पे इस तरीके से चेंज होता है। तो हमको यहाँ पे चेंज करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बैक निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम व्हाट्सअप ओपन करेंगे या फिर यूट्यूब ओपन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लिया हमने, तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों तो यहाँ पे कि देखो यूट्यूब को मुझे ऊपर स्क्रॉल डाउन नीचे, पहले क्या हम इस तरीके से करते हैं, अभी मुझको यहाँ पे माउस से शिफ्ट करना हो तो यहाँ पे देखो माउस का जो ये बीच वाला जो कर्सर है ना उसको मैं इस तरीके से करूँगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से चेंज भी हो रहा है, ऊपर करूँगा तो ये इस तरीके से यूट्यूब का पेज ऊपर ले जाएगा। तो इस तरीके से आप माउस कनेक्ट करके अपने मोबाइल फ़ोन को ईजिली तरीके से चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।